हेलो दोस्तों, निशा फूड क्लब में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं मसाला दूध। कुछ ही चीजों से तैयार इस दूध को पीने के बाद आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मसाला दूध के लिए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके अपना मसाला तैयार कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिए हैं। इन्हें हम रोस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए। कुकिंग से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। रोस्ट हो जाने के बाद इन्हें मिक्सर में पीस लेंगे और बारीक पाउडर बना लेंगे। ये हमारा मसाला पाउडर तैयार हो गया है। अब एक कढ़ाई में 4 कप यानी 1 लीटर के करीब दूध लेंगे। आप अपनी जरूरत के हिसाब से दूध ले सकते हैं। यहाँ मैं फुल क्रीम दूध यूज कर रही हूँ। दूध को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। इस रेसिपी में कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसे पीसने से पहले ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना जरूरी है। अगर आप इन्हें डायरेक्ट पीस लेंगे तो पाउडर नहीं बनेगा, क्योंकि सब ड्राई फ्रूट्स अपना ऑयल रिलीज कर देंगे। दूध को हमें मीडियम आंच पर पकाना होगा ताकि दूध हल्का सा गाढ़ा हो जाए, जिससे वो पीने में और भी स्वादिष्ट लगे। दूध और पाउडर के अनुपात के लिए हम 300 ml दूध पर 1 टीस्पून पाउडर इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर आप 1 लीटर दूध तैयार कर रहे हैं तो 3 से 4 चम्मच मसाला पाउडर यूज करेंगे। दूध में एक उबाल आ चुका है। इस गर्म दूध में से 2-3 चम्मच दूध एक कटोरी में निकाल लेंगे और चुटकी भर केसर इसमें डाल देंगे। जब तक इसमें केसर का रंग चढ़ता है तब तक इसे अलग रख देंगे। अब इस गर्म दूध में ऐड करेंगे मसाला पाउडर। ये पाउडर डालने के बाद इसमें छोटे छोटे लम्प्स बन सकते हैं, इसलिए स्पैचुला की हेल्प से इसे चलाते रहें ताकि पाउडर दूध में अच्छे से घुल जाए। आप इस दूध में फ्लेवर और टेस्ट को और बढ़ाने के लिए 1 से 1.5 टीस्पून इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे केसर वाला दूध और इसके बाद ऐड करेंगे चीनी। मैंने यहाँ पर 6 टीस्पून चीनी इसमें डाली है। आपको मीठा कम पसंद है तो कम चीनी डाल सकते हैं। इसके बाद दूध को स्पैचुला की हेल्प से चलाते रहेंगे ताकि चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए। यहाँ पर दूध का हरा रंग पिस्ते के यूज के कारण हुआ है। आप चाहे तो पाउडर बनाने के लिए कम पिस्ते यूज कर सकते हैं। सब चीजें दूध में डल चुकी है। अब हमें सिर्फ दूध को पकाना है। मीडियम फ्लेम पर हम दूध को करीब 8 से 10 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए और इस पर बढ़िया सी मलाई भी आ जाए। हमारा दूध बनकर तैयार है। गैस को अब बंद कर देंगे। चलिए दूध को गिलास में डाल लेते हैं। डेकोरेशन के लिए मैं इस पर चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा केसर ऐड कर रही हूँ। हमारा मसाला दूध सर्व करने के लिए तैयार है। आपको ये क्विक वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।